अस्सलाम वालेकुम। फॉर अपडेट न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की न्यूज अपडेट से आपको अपडेट करते हैं। सऊदी हुकाम ने हज के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद कर दी। आजमीन हज के लिए कोविड-19 की वैक्सीन लाजमी है और बुनियादी शर्त होगी। सऊदी वजारत सेहत। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती रुकन का वोट जाया हो गया। शहरयार अफरीदी ने गलती से ब्लेट पेपर पर दस्तखत कर दिए, नया ब्लेट पेपर जारी नहीं किया गया। आसिफ अली जरदारी का ब्लेट पेपर जाया होने पर नया ब्लेट पेपर जारी। हज़्ब इख्तिलाफ का हुकूमती अराकीन ने कैमरे वाला पेन इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम, वोट चैलेंज करने का अंदिया। सेनेट इलेक्शन, अराकीन असेंबली की जानिब से ब्लेट पेपर की तस्वीर लेने का इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के मुताबिक MNA अपने फ़ोन से ब्लेट पेपर की तस्वीर ले रहे हैं और बाद में पार्टी मेम्बरों को देखा रहे हैं। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह का ट्वीट। फैसल वावडा का कौमी असेंबली की निश्त से इस्तीफा मामा बन गया। कवायद के मुताबिक इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली के पास पहुंच जाए तो उसके बाद तस्दीक की जाती है। इस्तीफा शोबा कानून साजी तक पहुंचाना ही वफाकी वजीर को तस्दीक के लिए बुलाया गया। ज़राई हुकूमत परेशान है कि वो हार रही है। बिलावल भुट्टो, हुक्मरान जमायतें आसानी से इंतखाब जीती आई है मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सहाफियों से गुफ्तगू। मोटरवे ज्यादती केस, मुलजिमान आबिद मली और शफकत बगा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कैंप जेल लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस की समाअत हुई। मुलजिमान ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार किया। सेनेट इंतखाबात, मुतवाके पार्टी पोजीशन क्या होगी? इंतखाब का तरीके कार क्या है? सेनेट का कयाम क्यों अमल में लाया गया? यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इंतखाबात के नतीजे से कबल ही जीत का दावा कर दिया। हम सेनेट इंतखाबात जीत चुके हैं। हफीज शेख को सेनेट इंतखाबात में वोट नहीं मिलेंगे। साबिक वजीर आजम का सहाफी के सवाल का जवाब। वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कौमी असेंबली की निश्त से इस्तीफा दे दिया। फैसल वावडा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मज़ीद न्यूज़ हासिल करने के लिए फोर अपडेट न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको डेली न्यूज़ से अपडेट किया जाएगा, पूरी न्यूज़ और शॉर्ट न्यूज़ से आपको आगाह किया जाएगा।